मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल वेलकम इन एसवीएमएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की क्लास में कर रहे हैं वन वर्ड, पार्ट सेकंड है ये हमारा। पिछली क्लास में भी हमने वन वर्ड ही किए थे, लेकिन आज हम जो रह गए थे वो वाले करेंगे, ठीक है। वन से लेके 18 तक हमने पढ़ लिए थे, आज हम 19 नंबर कर रहे हैं। 19 नंबर है हमारा द प्लेस वेयर द सिक एंड द वाउंडेड आर ट्रीटेड। एक ऐसी जगह जहाँ पे सिक क्या होता है, बीमार, और वाउंडेड जिसको कोई चोट वगैरह लगी हो, तो ट्रीट मतलब इलाज करना। ए प्लेस वेयर द सिक एंड वाउंडेड, सिक एंड वाउंडेड आर ट्रीटेड। तो ऐसा कौन, तो हम क्या करेंगे, कौन सी जगह होती है जहाँ पे हम बीमारी का इलाज वगैरह करवाने जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो इसका आ जाएगा हॉस्पिटल। नंबर 20 है ए सब्सटेंस टेकन टू क्योर इलनेस। ए सब्सटेंस टेकन टू क्योर इलनेस। इलनेस क्या होती है, बीमारी, ठीक है। बीमारी को ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हम क्या लेते हैं, दवाई लेते हैं ना, तो इसका आ जाएगा मेडिसिन। क्या आएगा, मेडिसिन, ठीक है। तो 21 नंबर है हमारा ए पर्सन हु स्टील्स। 21 नंबर क्या है, ए पर्सन हु स्टील्स। स्टील्स क्या, स्टील क्या होता है, चोरी करना। स्टील का क्या मीनिंग होता है, चोरी करना। तो एक ऐसा पर्सन जो चोरी करता है उसे अपने क्या बोलते हैं, चोर बोलते हैं ना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं चोर को, थीफ। क्या बोलते हैं, थीफ, सॉरी THIEF होगा, ठीक है, इसका आ जाएगा थीफ। अब 22 है हमारा ए पीरियड ऑफ 7 days। ए पीरियड ऑफ 7 days, 7 दिनों की अवधि, मतलब 7 दिनों की अवधि को अपने क्या बोलते हैं, 7 दिन को क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं ना, एक सप्ताह बोलते हैं ना, सप्ताह, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीक, ठीक है। और वीक की स्पेलिंग होती है WEEK, WEAK नहीं लिखनी है, उसका अर्थ होता है कमजोर, और WEEK वीक मतलब सप्ताह है, ठीक है। नंबर 23 करेंगे अपना ए प्लेस वेयर वी लिव इन। ए प्लेस वेयर वी लिव इन, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम क्या करते हैं, रहते हैं, हम कहाँ पे रहते हैं, घर में रहते हैं ना, तो क्या आएगा, होम, इसका क्या आएगा, होम, ठीक है। आगे करेंगे अपने ए पर्सन हु बायस थिंग्स। 24 करेंगे हमारी ये है ए प्लेस ए पर्सन हु बायस थिंग्स। ए पर्सन हु बायस थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ें या वस्तुएं खरीदता है उसे क्या बोलते हैं हम, खरीदने वाले को, अपने जैसे मार्केट गए हैं, कुछ लेने गए हैं, सामान वगैरह खरीदने गए हैं, तो अपने क्या हो गए, कस्टमर हो गए, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, कस्टमर, ग्राहक बोलते हैं ना, ग्राहक, ग्राहक कौन होता है, सामान खरीदने वाला, तो उसे क्या बोलते हैं अपने इंग्लिश में, कस्टमर, ठीक है। नंबर 25 करेंगे, 25 नंबर है ए डिवाइस दैट टेल्स टाइम। ए डिवाइस That tells time, एक ऐसी डिवाइस जो हमें क्या बताती है, समय बताती है, वो क्या होती है, जो हमें समय, हम समय किस में देते हैं, घड़ी में देते ना, तो क्या आ जाएगा, वॉच, WATCH, वॉच, ठीक है। नंबर 26 करेंगे
26 नंबर है हमारा, ए पर्सन हु मेक्स फर्नीचर, ए पर्सन हु मेक्स फर्नीचर, एक फर्नीचर एक्सेट्रा, जो इस प्रकार का फर्नीचर वगैरह बनाता है उसे क्या बोलते हैं अपने, कारपेंटर, क्या बोलते हैं, कारपेंटर। कैसे स्पेलिंग याद कर लोगे, कारपेंटर, ठीक है, कारपेंटर यानी कि बढ़ई, हिंदी में क्या बोलते हैं, बढ़ई। 27 नंबर है हमारा, ए प्लेस वेयर द हिंदूज वर्शिप, वर्शिप क्या होता है, पूजा करना, ए प्लेस वेयर द हिंदूज वर्शिप, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हिंदू लोग जो हैं वो क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो क्या होता है, टेंपल, क्या होता है, टेंपल, मंदिर, पूजा पाठ करने के लिए, अपने पूजा वगैरह करने के लिए मंदिर जाते हैं ना, तो हिंदू लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं, टेंपल यानी कि मंदिर में, और जैसे मुस्लिम कहाँ जाते हैं, मस्जिद में, मॉस्क्यू में, ठीक है, ईसाई लोग जाते हैं चर्च में, तो हर धर्म की अलग अलग जगह होते हैं जहाँ अरदास करने जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, तो हिंदुओं को क्या होता है वो, टेंपल, ठीक है। 28 नंबर करेंगे, ए प्लेस वेयर ट्रेन स्टॉप, ए प्लेस वेयर ट्रेन स्टॉप, एक ऐसी जगह जहाँ पे रेलगाड़ियाँ रुकती हैं, कहाँ पे रुकती हैं रेलगाड़ियाँ, स्टेशन पे रुकती है ना, तो इसका आ जाएगा स्टेशन, ठीक है, ए प्लेस वेयर ट्रेन स्टॉप स्टेशन। 29, ए पर्सन हु लिव्स इन अ विलेज, ए पर्सन हु लिव्स इन अ विलेज, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो गांव में रहता है, वो क्या होता है, गांववासी, तो उसको क्या करें कहेंगे, विलेजर, क्या बोलेंगे, विलेजर। विलेज की स्पेलिंग में आपको सिर्फ आर ही ऐड करना है, ठीक है, विलेजर। नेक्स्ट करेंगे 30 नंबर, ए मील ईटन इन द मिडल ऑफ द डे, ए मील ईटन इन द मिडल ऑफ द, मिडल ऑफ द डे, एक ऐसा भोजन जो हम डे के, दिन के मिडल में यानी कि बीच में करते हैं, मिडल क्या होता है, बीच में, सुबह दोपहर शाम, है ना, तो बीच का समय दोपहर का समय हो गया, दोपहर को हम क्या जो भोजन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, लंच, LUNCH, ठीक है, लंच बोलते हैं उसे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे 31 वर्ड हो गए हैं, आप सभी को इसे अपनी नोटबुक में करना है, प्लस इसको लर्न भी अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आपके ये एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए आपको ये अच्छे से लर्न करना है, सभी ने अपनी नोटबुक में से करना भी है। एक बार वापस रिपीट करते हैं, द प्लेस वेयर द सिक एंड द वाउंडेड आर ट्रीटेड, क्या होता है वो, हॉस्पिटल, ए सब्सटेंस टेकन टू क्योर इलनेस, मेडिसन, ए पर्सन हु स्टील्स, थीफ, ए पीरियड ऑफ 7 days, वीक, ए प्लेस वेयर वी लिव इन होम, ए पर्सन हु बायस थिंग, कस्टमर, ए डिवाइस दैट टेल्स टाइम, वॉच, और ए पर्सन हु मेक्स फर्नीचर, कारपेंटर, ए प्लेस वेयर द हिंदू वर्शिप, टेम्पल, ठीक है, ए प्लेस वेयर ट्रेन स्टॉप, स्टेशन, ए पर्सन हु लिव्स इन अ विलेज, विलेजर, ए मील ईटन इन द मिडल ऑफ द डे, लंच। ओके।